कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो फहमान खान का रिसेंटली रनिंग शो सुंबुल तौकीर खान के ना आने से होने जा रहा है ऑफ एयर। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी वजह और किस दिन होगा फहमान खान का शो ऑफ एयर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सुंबुल तौकीर खान ने मीडिया इंटरेक्शन से बात करते हुए ये साफ कर दिया है कि वो फहमान खान के धर्मपत्नी शो में एंट्री नहीं लेने वाली हैं और सुंबुल तौकीर खान को टीआरपी के लिए ही अप्रोच किया गया था। लगातार फहमान खान के धर्मपत्नी शो की टीआरपी डाउन हो रही है, जिसके बाद एकता कपूर ने एक बार फिर सुंबुल को अप्रोच किया था, लेकिन सुंबुल ने इस शो को रिजेक्ट कर दिया है। और अब आने वाले दिनों में यानी कि मई के आखिरी सप्ताह में फहमान खान के शो को ऑफर कर दिया जाएगा। और ये लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि सुंबुल तौकीर खान की एंट्री होने से ये शो बच सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में लग नहीं रहा है कि सुंबुल की इस शो में एंट्री होगी। और अब ये मेकर्स ने साफ कर दिया है कि कलर्स टीवी पे इन दिनों कई सारे शोज आने वाले हैं और फहमान खान का धर्मपत्नी शो जिस तरीके से लगातार टीआरपी में डाउन जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस शो से अब ऑडियंस भी ऊब चुकी है। लेकिन चंद महीनों में ही ये शो ऑफ एयर होने जा रहा है। और अब फाइनली मीडिया रिपोर्ट से एकता कपूर ने भी खास खुलासा कर दिया है कि फहमान खान के इस धर्मपत्नी शो को इसी महीने ऑफ एयर कर दिया जाएगा। वेल, आपका क्या है ओपिनियन? क्या वाकई फहमान खान के शो को ऑफ एयर कर देना चाहिए या आप मानते हो जी नहीं, शो को एक्सटेंशन मिलना चाहिए? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।